तो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि जैसे कि अगर आपका ये ख़राब हो गया तो सिम्टम्स क्या थे, मैंने बताया था। अभी इसको अपने इसमें देखते हैं, रिपेयर है तो अगर रिपेयर इजी पड़ेगा तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो फिर इसको अपने रिप्लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने प्राइसिंग की बात की तो प्राइसिंग मैंने ढूंढी तो अगर सिंपल रबड़ की किट आएगी उसमें स्प्रिंग स्प्रिंग नहीं आएंगी तो वो 250 से 300 के आसपास कॉस्ट करेगा। और जो इसकी रिपेयरिंग किट आती है मतलब अंदर की पूरी स्प्रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब तो 700 रुपये कॉस्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। और सिलेंडर की बात की तो सिलेंडर में नंबर होता है ये लिखा है 57-28, इसको मैंने साफ ऑफ किया थोड़ा, 57-28 का भाव लगभग अभी 3000 के आसपास है, ठीक है। अलग अलग भाव है, नंबर होगा, ऑफलाइन दुकान में मिल जाएगा। अच्छा, जितना अच्छी जगह जाओगे उतना अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और TVS का है, ठीक है, ये चीज़ मैंने पता की। अभी देखते हैं इसको खोलते कंडीशन कैसी है। कई बार क्या होता है जैसे कि स्प्रिंग ख़राब हो गई रहती है तो सिंपल किट से रिपेयर नहीं होगा वो, इसलिए मैकेनिक कई बार इसको नेगलेक्ट करते हैं रिपेयरिंग करने से, क्योंकि ये लंबे रूट पे आपको जाकर तकलीफ दे सकता है रिपेयरिंग। फिर दूसरा ऑप्शन है जब आप सिलेंडर और स्प्रिंग डालते हो तो उसमें सिलेंडर कई बार जाम होता है, या फिर जो वॉल है वॉल में डैमेज हुआ या वॉल में घिसा हुआ है तब भी जो ऑयल का प्रेशर वो लीक होगा। जैसे आप दबाओगे सिलेंडर दबता है तो ऑयल पीछे बैक आएगा तो वो ब्रेकिंग नहीं आएगी। तो अपने पहले इसको खोलते हैं, इसकी कंडीशन चेक करते हैं, फिर अपने को ऐसा लगता है कि ज़्यादा वॉल जाम है अपने दबा के देखेंगे वो जो इसके अंदर का वाल की कंडीशन देखेंगे, अगर ज़्यादा ख़राब होगा तो बदल देंगे नहीं तो रिपेयर करेंगे। पहले इसको खोलते हैं क्योंकि ये नंबर देके फिर वो लाना है, किट भी लाएँ या सिलेंडर भी लाएँ तो ये देख के लाना है, तो पहले इसको खोलेंगे। तो ये 12 नंबर का है तो थोड़ा आप WD-40 डाल देंगे ना जल्दी जल्दी खुल जाएगा, ठीक है। तो एक ये आ गया, ये 12 नंबर का है, हम किसी भी शायद 13 नंबर का हो, ये हो गया। फिर एक नीचे आएगा यहाँ, फिर ये 11 नंबर के स्पेशल अलग टाइप के पाने आते हैं, लेकिन आप WD-40 से कुछ डालोगे शायद खुल जाए, अगर ना खुले जबरदस्ती नहीं करनी फिर वो पाना लाना है। खुल गया, ठीक है, खुल गया। तो इसे एक बार सब घुमा लेना, तब मैं ज़रा इसको खोल के बाहर ले लूँ। हाँ, और उससे पहले आपको एक कपलर निकाल देना, ये ऑयल का सेंसर है, ठीक है। और जगह थोड़ी अच्छी मिले तो एयर फिल्टर का भी फिल्टर निकाल लेना, तो इसको निकालने में आसानी होगी। तो सिलेंडर बाहर आ गया तो पहले इसका ऑयल निकाल लेना, ऑयल निकाल लेना क्योंकि बाद में ये अभी इसको प्लस करेंगे ना तब काम आएगा। पुराना ऑयल का डब्बा ले लो, ठीक रहा नहीं। और इसको ऐसे जगह काम करना है जहाँ कलर आपकी बॉडी की बॉडी पे कलर पे ना गिरी है, अगर ये गिरा तो आपका वहाँ का कलर निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसको ज़मीन पे रखा है, ठीक है। तो उसको पहले अपना मेन काम है ऑयल बचाना। ये मिक्स है WD-40 भी, पहले WD-3 था, मैंने WD-4 डाला था, ठीक है। अभी पूरा प्लस करना पड़ेगा इसको, सॉरी खास करके ऑयल रख दो अलग। अभी बताऊँ जैसे आपको इसी से हो जाएगा अंदाज़ा, क्योंकि कोस्टिंग अगर ऐसे गिने तो 7×21 = 28, मतलब 4×5 × में नया आ जाएगा अगर अपने आप सर्विस किट डालते हो। अभी देखो चेक करना है ये, ठीक है। इसमें ठीक है, तो अगर आपको इसको खोलना है तो ये ले लो, ये लॉक पिन आती है, ये लॉक पिन दिख रही है, ये लॉक पिन निकालनी पड़ेगी आपको, इसके लिए स्पेशल टाइप का आता है, ठीक है। ये आ गया आपका, इसको सिलेंडर दबाना है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ठोक के बाहर ले लो और इसका डैमेज देखते कितना है, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो ये देखो सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर बाहर आया, ठीक है। अब अंदर वाले की बारी है, इसको दबाते हैं। हाँ, ये 10 नंबर का नीचे यहाँ बोल्ट आता है, यहाँ पर ये खोल लेना है, इससे लॉक लगा रहता है पीछे वाले को, पीछे वाले को लेते हैं बाहर। ठीक है, जैसे इसका मेन एक भी कारण है कि जो पिछला सिलेंडर है वो जाम एकदम अंदर फंसा हुआ, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। निकालते लोग ठोक के अपने आप निकल भी जाता है, अगर नहीं निकल रहा तो मतलब आपको रबर सीले सब कुछ जो कुछ है उसको जाम हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा से आप छू के देख सकते हो डैमेज ना हो स्क्रीन पे, क्योंकि जब ये कट जाता है तो ये डैमेज करता है, ठीक है। तब एक काम करते हैं, सबसे अच्छा 700 रुपये इसमें खर्चा करके उससे अच्छा नया ला के डाल देते हैं, ठीक है। अभी देखो हम कैसे लाते हैं, चीज़ को आपको बताऊँ। ये आप नंबर लेके जाओ, देखो 57-28, ये देख के किट भी यही मिलेगी आपको, अगर किट निकल जा रहा है आपके दोनों सिलेंडर ये दोनों, तो ये नंबर देके जाके बोलोगे ये नंबर तो भी मिल जाएगा, या इसको लेके ही जाओ या नंबर बोलोगे तो उसके साथ किट भी मिलेगी और सिलेंडर भी मिलेगा। तो अभी अपने नया सिलेंडर डालने वाले, क्योंकि अंदर का पिस्टन है ना वो मेरा जाम है, क्योंकि एक मैंने बात की थी मैकेनिक से, उसने सब बोला कि शायद सिलेंडर जाम भी होता है तब भी ये तकलीफ होती है। तो अपने इसको करते हैं, ओ सॉरी रिप्लेस करेंगे इसको, अब कोई इसका मतलब नहीं। अब मैं सैंपल लेके आता हूँ पहले,
तो ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट। पहले मार्केट शेयर करूँ, 3500 लेकिन पड़ेगा आपको 3000-3200 के बीच में, ठीक है। मैंने इसकी रिपेयरिंग की पूछी, लगभग 750 रुपये की 800 रुपये कॉस्ट कर रही है। ये इसकी प्रोडक्ट है, सेम वही है, नंबर जरूरी है मैच करना। अभी टेंशन से आप लोग सोचो पेन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ लिखा था रियर फ्रंट, नंबर है 5728 से, ठीक है। अब इसको लगाएंगे, लगाना बहुत आसान है, जैसे निकाला है उसको वापस ऐसे ही लगाएंगे। तो अब देखो इसको लगाना है, ठीक है। ये होल देख रहे हो, ये होल यहाँ मैच होना चाहिए, ठीक। देखो यहाँ पे डंडी जैसा होता है, तो उसमें इसको लगना चाहिए, बस किसी एक को होल मिला लेना है ऊपर से नीचे में, ये बस कट्टे पर बैठता है, बढ़िया। अब बस आपको जो 12 नंबर के बोल्ट थे वो कस देने हैं, बहुत आसान है, घर पे भी रिप्लेस कर सकते हो। बस इसके बाद जो है काम मोटी की है, बस एयर आ गया सिस्टम में, तब ऑयल ब्लीड करना पड़ेगा चारों विंग से, बस वो इतनी की है, बाकी इसको रिप्लेस करना बहुत आसान है, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। तब मैं ज़रा इसको कस लूँ, तो वायर लग गया और कनेक्शन लगा दिया, ये लगा दिया, अब ये बाकी है। अब सपोज जिस कीजिए आप भूल गए ये कौन सा लगाना था, अब वो ध्यान देखो तो एक पाइप आगे से आती है, वो दिख जाएगा आपको, ये पाइप देखो आगे की है, तो ये फ्रंट में जाएगी और एक पीछे जाएगी और रियर में जाएगी, तो देख लो, तो यहाँ पे लिखा है, तो ये रियर है, जो लास्ट वाला आएगा रियर लिखा है, शायद दूसरा सिलेंडर का अलग हो, तो इसका अभी यहाँ ये, तो रियर लेना है, तो रियर वाली दिख रहे हो, कोई पाइप आपको ऐसे हैरान करे तो खींच लेना है थोड़ा, और यहाँ फिट करना है। अभी देखो दो हाथ से खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको लगा लूँ पहले, तो अब फिर ये इसको फ्लस करना है, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है ऑयल फ्लस का, वो मैं दे दूँगा लिंक में, आपको पूरी डिटेल में देखना है, तो इतना डिटेल में नहीं करेंगे। तो पहले अपने इसको करेंगे टॉप अप, आपको लगेगा लगभग 1-2 बोतल लगेगा, ठीक है। ले आना, इसको फुल कर देंगे, फिर अब एयर निकालने का काम है, ठीक है। तो एयर कैसे निकालते हैं समझो, पहले आप रियर का निकालेंगे, रियर में सबसे लंबी पाइप है उस साइड को ड्राइवर के साइड की, तो वहाँ 10 या 11 नंबर का लगेगा पाना, 10 या 11 नंबर पाना ले लो और उसके नीचे चलो, और वहाँ पे मैं बताऊँगा कैसे करना है। उसके लिए पहले करनी पड़ेगी गाड़ी चालू, और एक व्यक्ति चाहिए अंदर जो पंप करेगा, फिर उसके हिसाब से अपने अंदर से एयर निकालेंगे। अभी क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले इसको क्या करना, आपको एक पत्थर ढीला कर देना, थोड़ा हल्का सा, आपके पास अगर जुगाड़ है मैं इसमें डिटेल वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, आपके लिए ये पाइप लगा दो, ठीक है, इससे ऑयल गिरेगा नहीं और सीधे इसमें गिरेगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं, इसको टाइट कर लेना है पहले, चल दबा, दबाया, ठीक है, ये थोड़ा ऑयल आएगा, चल छोड़ दे, चल दबा, ऐसे करके पूरा ऑयल बाहर आएगा। अब मैं जरा इसको प्रोसेस कर लूँ, ठीक है, ऐसे दबाना और छोड़ना है। तो मैंने 4 पहिए का एयर निकाल दिए, अभी जो ढक्कन खुला है उसको मैक्सिमम भर लो। अभी अक्सर होता है अगर आपके लिए, अभी अगर आपके में एयर है सिस्टम में, तो आपका ब्रेक क्या इसको इंची होगा, मतलब ऐसे अभी अपना पेडल चेक कर लेते, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं, देख रहे हो सिलेंडर में, देखो इतना, बस अगर आपने पुराना वीडियो देखा हो तो यहाँ फ्लोर तक जा रहा था ये, देख रहे हो। अब ब्रेक, इसको बोलते हैं ब्रेक, और इसको दबा के रखोगे आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसमें तो क्या पेडल एकदम आगे जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो गई। इसलिए मैंने रिपेयरिंग का थोड़ा ताला बंद कर दिया, रिपेयरिंग का ताला मैंने, कि अगर रिपेयरिंग सक्सेस नहीं हुआ इन फ्यूचर, अगर रास्ते में वो हो गया धोखा दे दिया तो तकलीफ होगी। और दूसरी चीज़, अगर आपकी एयर रहेगी तो ये एकदम अंदर जाएगा, अगर आपको ये लगता है डाउट है तो मैकेनिक के पास लेके जाओ, वो ब्लीड कर देगा, ठीक है। लगभग एक बोतल जाएगा ऑयल भी, ठीक है, कपड़े ख़राब होंगे थोड़े, ठीक हो गया। अभी सिलेंडर के पास चलते हैं अपने, बताऊँ तो इसका पूरा डिटेल वीडियो है, जो एयर करने का ऑयल निकालने का, वो मैं दे दूंगा लिंक में, आप देख लेना, ठीक है। इसमें मैंने उसको बहुत कम लिया है, ठीक है, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, कॉस्टिंग आई 3200 के आसपास, ठीक है, और 200 का ऑयल 3400 हो गया, तो ये पूरा बदल गया नया, अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अपना ये पिस्टन ये ठीक था, इसका अलग सिम्टम्स होते हैं, तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपको मेरा वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कर दो, आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।